तो कॉलोनी का रोड एकदम खराब चल रहा है, बंदे का रोड पकड़ के आ जा रहे हैं। गाइस आपके सामने अनबॉक्सिंग किए हैं और जा रहे थे घर, तो रास्ते में लेकिन तो काफ़ी दिखाना चाहेंगे। ये रोड है ना, बेरी देखिए कितना चौड़ा चौड़ा सब बना हुआ है, ठीक है। तो कौन सा कपड़ा पहने, पैंट शर्ट पहनते हैं। तो आई एम रेडी, अब हम कहाँ जा रहे हैं चल के आपको बताते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बड़ो कोड़ाम छटको हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं एडी मोल और आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि एडी मोल हम किन गए हैं। फिलहाल टाइम भी हो गया है तो चलते हैं, फिर एडी मोल में आपको मिलते हैं। यहाँ पे वैनम खड़ी है और यहाँ पे एमटी खड़ी है, और अक्सर हम आपको बताते हैं कि प्लेट नंबर दिखाते हैं क्योंकि मेहनत की कमाई की है ना गाइस। तो एमटी से भी राइड करेंगे लेकिन अभी इसे राइड करने वाले नहीं हैं, तो फिलहाल एमटी से नहीं जा रहे हैं, वैन से जा रहे हैं और बाहर खड़ी है तो इसको पोंछते हैं फिर निकलते हैं। एडी मॉल आ चुके हैं और अभी लिफ्ट में है, एंट्री किए हैं और एंट्री करने के बाद अंदर कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं। तो कुछ अंदर इस तरह दिखता है और यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है भी देख सकते हैं। और हम जो मूवी देखने आए थे आपको बताया ना हम कहाँ जा रहे हैं, एडी मॉल मूवी देखने आए हैं। आपको नाम है सूप, ये अमिताभ बच्चन सर हैं और पहले आप देखिए क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो भैया देख लीजिए कितने बड़े एक्टर पतंग उड़ा रहे हैं। और कुछ इस तरह हॉल है इसका, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मूवी देख के आ गए हैं और अभी पार्किंग में है तो घर पे ऑर्डर भी आ गया है, तो साथ अनबॉक्सिंग में घर पे जाके करेंगे और भूख लगी है रास्ते में पहले जाके कुछ खाएंगे। तो अपनी बाइक यहाँ पे है, अब निकालना कैसे ये देखना पड़ेगा, आगे जाके निकालना पड़ेगा। जा रहे थे घर तो रास्ते में लिट्टी चोखा खा रहे हैं, गाइस घर जा रहे थे तो लिट्टी खा के पानी नहीं पिए हैं, तो जा रहे थे रास्ते में अमूल का शॉप पड़ा था, अमूल के यहाँ तो माता नहीं है, पी लेंगे फिर घर जाएंगे, फिर वॉकिंग करते हैं। अमूल के यहाँ से हम घर जा रहे थे तो बगीचे पर जल्दी आते नहीं क्योंकि इधर भी पाइप पड़ रहा है, चम्बर उम्बर पड़ रहा है ना, तो जल्दी देखने आते नहीं है, तो मूड आया और देखने चले आए। और कुछ सब्सक्राइबर कह रहे थे कि रास्ते में कितना जगह मिला है अगर आने जाने में, ऐसा तो है नहीं ब्लॉक हो गया हो, तो रास्ता थोड़ा बहुत है जो बाइक भी नहीं जा सकता है, अब अंदाज़ा लगा लीजिए बाइक भी नहीं जा सकता है तो रास्ता कितना मिला है। तो बैकग्राउंड में दिखा रहे होंगे कि यही मेन गेट है, इसमें से आधा रास्ता चाहिए, पूरा रास्ता नहीं चाहिए आधा रास्ता चाहिए। और आपको दिखाते हैं कि सिर्फ आने जाने के लिए कितना जगह मिला है इतने बड़े प्लाट में, क्योंकि आप हमारे सपोर्टर हैं तो आपको दिखाना ज़रूरी है। और कुछ सब्सक्राइबर ईमेल भी किए थे पर्सनल, अपना होता है ना कि हर एक चीज़ कमेंट बॉक्स में नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन ईमेल भी करते हैं, तो अच्छा लगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो गेट है इसमें से एक गेट चाहिए आधा रास्ता, और बीच में क्या क्या दिक्कत हो रही है आने जाने में। तो रास्ता तो मिला ही नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मिला है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है तो आइए दिखाते हैं आपको। पहले तो प्लेट नंबर देखिए और जाके सब्सक्राइब करिए। तो मेन गेट यही है जिसमें इसमें से आधा गेट चाहिए, ठीक है, और इतना रास्ता है। तो देखिए बीच में पोल है और पोल भी ख़राब हो गया है, कभी भी गिर सकता है, ठीक है, ये मिला है। उसके बाद से इतना है और इधर से एक पाइप लगवा दिए हैं और बीच में एक छड़ भी है, देख पा रहे हैं, दो बीच में एक छड़ भी है। तो यही दिक्कत है, मेन गेट यही है और ये पोल है बीच में पड़ता है और इसी के सामने पोल का जो सपोर्टर तार होता है ये तार पड़ा हुआ है। और इसमें मट्टी पटवाने में लगभग 2 लाख रुपए खर्चा आएगा और घर बनवाने में तो 1-2 करोड़ खर्चा आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे फेंक रहे हैं बट ऐसा नहीं है, अगर
आपको लगता है कि मैं साबित कर दूं तो आप मुझे रास्ता दिलवाइए। और अभी हम थार बोले थे ना, थार थोड़ी हम ऑडी खरीद देंगे। जी हाँ, ये वीडियो आईडी प्रूफ है, हमेशा सोशल मीडिया पर रहेगा, किसी को पड़ा रहेगा। अगर मुझे ये गेट आधा रास्ता मिल जाता है, मेरा चार पहिया जो है और कार है अप डाउन हो सकती है, तो मैं अपने हिसाब से घर भी बनवाऊँगा और लेऊँगा। तो मट्टी पटवाने में 2 लाख खर्चा आएगा, घर बनाने में 1 से 2 करोड़ खर्चा आएगा। तो आप लोग सपोर्ट करिए, जल्दी से यहाँ पे घर नहीं बनवाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टूडियो बनाएंगे। तो यही देख सकते हैं कि आप लोग, यही मेन गेट है। तो जब ये बना था तो बोल रहे थे कि इसी गेट से आना जाना रहेगा सबका, बट जब बन गया तो बोलते हैं सिर्फ मेरा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है, मतलब हम इससे आएंगे जाएं। तो यही चीज़ है ना, जब बनना होता है तो लोग प्यार दिखाते हैं, बनने के बाद नफरत दिखाते हैं। तो अपने ने बताया, कोई अपना नहीं होता। तो जब बन रहा था तो खाना पीना सब एक में था, लेकिन जब इनका बन के तैयार हो गया तो ये दुश्मनी कर लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं कि नहीं देंगे गेट, जो उखाड़ना उखाड़ लो भाई। ठीक है, कोई भी चीज़ होता है प्यार से होता है, हम पेन के हिसाब से चलते हैं और कोर्ट के हिसाब से चलते हैं। तो यही गेट है जो आधा गेट चाहिए, और जितना छोटा इसमें पोल आ गया है, और इतना गेट भी है तो इसमें तार भी है। तो जे हिसाब से गए थे भी तो वहाँ पे जनबा कर रहे हैं, 15,000-20,000 देने से कुछ होगा तभी काम होगा, क्योंकि फ्री का काम नहीं होता है। जी हाँ, वहाँ पे पैसा देंगे तभी काम होगा, पैसा नहीं देंगे कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अप्लीकेशन डाल चुके हैं हम, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब कौन से डेट में डाले थे, किडने डाले थे, सब हम बुला चुके हैं। अब नया अप्लीकेशन डालना पड़ेगा हमको, अगर फिर दोबारा अगर कोई पैसा मांगता है तो फिर हम बताएंगे। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है सब कुछ हम दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे आपको, क्योंकि हमारा फर्ज आपको दिखाना। बाकी उधर से दिखाते हैं, जो दीवार चला था उधर टूटा था, इधर भी चैम्बर उम्बर लग रहा है, देखिए चैम्बर बना हुआ है, और रोड देख ही रहे हैं। और एक चीज़ दिखाना चाहेंगे, ये रोड है ना, बेदी देखिए कितना चौड़ा चौड़ा सब बना हुआ है। ठीक है, तो क्यों बना हुआ, क्योंकि यहाँ से आना जाना नहीं है पब्लिक का, इसीलिए जो बेदी है रोड पे चौड़ा चौड़ा बना हुआ है। ठीक है, हमारा काम है दिखाना, हम दिखाएंगे। लोगों को कोई फ़र्क पड़े तो कमेंट बॉक्स में बताइए आके। तो हमें कोई डर नहीं लगता है क्योंकि हम ब्लॉग बनाते हैं, रियल चीज़ दिखा रहे हैं। तो यही गेट है जो आधा रास्ता चाहिए, आज जो रास्ता मिला है वो बीच में पोल आ गया और तार आ गया है। तो हमें यही इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जितना जल्दी हमको रास्ता मिल जाएगा उतना जल्दी यहाँ पे हम स्टूडियो बना सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। और वैनम के साथ देख ही रहे हैं, वैनम के साथ कितना बदतमीजी हो रही है। तो सोचिए, अगर वैनम के साथ अगर ऐसा हो रहा है, और मैं थार खरीदूँ, ऑडी खरीदूँ, या कार कोई भी खरीदूँ, 10 लाख का 5 लाख कोई भी खरीदूँ, उसके साथ अगर कोई शीशा फोड़ दिया तो मेरा कितना नुकसान होगा। इसी वजह से हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, हार्डवर्क मनी है, तो इतने लॉस पे हम रोड पे नहीं फेंक सकते हैं। बाकी दीवार गिरा था उधर से, हम दिखाते हैं जो भैया तोड़वाए थे। जब दीवार टेढ़ा था तो भैया अपना काम करा रहे थे, तो ऑलरेडी हम ब्लॉग डाल चुके हैं, आप लोग देखे होंगे। तो दीवार तोड़ के इधर गिरा दिए हैं और अपना उठा दें, क्योंकि ऑलरेडी मेरा दीवार टेढ़ा था इसीलिए दीवार उनको तोड़ना पड़ा। लेकिन इसमें कर क्या दिए हैं कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दीवार तो तोड़े हैं, लेकिन पिलर अंदर जा रहा है मेरे ज़मीन में। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए इतना ये जो है इतना अंदर है, क्योंकि अगर ऐसे नाप रहे हैं तो देखिए कहाँ जा रहा है। तो ठीक है, हमसे मुलाकात करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पे हैं। बस इस पर चढ़े पहले हम, और यहाँ पे हम खड़ा होना चाहेंगे, तो आकर हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे वो दीवार तोड़े हैं ये वाली, ठीक है, तो ये दीवार तोड़े हैं तो समझ लीजिए ये दीवार से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तक वो सीधा आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ही सीधा गए हैं, ठीक है, यहाँ तक जो है सीधा गए हैं, लेकिन ओ माय गॉड गिरे ना हम। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिलर जो है अंदर भाग गया है। अब ये तो अंदर भगा दिया गया है, ये तो ऑटोमेटिक भाग गया है, ये कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये बन रहा है तो कम से कम 100 साल तक तो टिका रहेगा, तो ऑलरेडी शुरुआत में अगर टोक देंगे तो कम से कम दिमाग में रहेगा ना। तो ये दीवार जो पिलर है अंदर भाग गया है, अब ये तो तोड़वा के सही करें, ये तो घर पे भी हमको कहना पड़ेगा ना, क्योंकि सबको बताना रहता है। तो हमारा काम है कि जाके संपत्ति की देखभाल करो, और अगर ज़्यादा उंगली कोई करे तो फिर हमें बताओ।
ठीक है, तो जो ये पिलर है ये दीवार के अंदर आ रहा है, इसको सही कराते हैं। बाकी अगर हमको गेट मिल जाता तो जल्दी अपना काम कराते हैं। चलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम गांव से हैं, तो गांव से हैं तो अभी कहां पे होंगे आप? अगर बैकग्राउंड में देख रहे होंगे तो आप बैकग्राउंड में देखिए हम कहां से हैं। क्या दिख रही है? अब इसके बाद देखिए, मेरे बगल में है नदी तालाब, ठीक है। बहुत लोग कह रहे थे भैया आप तो शहर में कितना जल्दी एंट्री करते हैं। भाई शहर और गांव दोनों एक ही मैचिंग करती हैं। मेरे घर से गोरखनाथ जो है 3 से 4 किलोमीटर पे है, लेकिन तभी भी हम एकदम साइड में रहते हैं। देखिए अभी हम थे बगीच वाले प्लाट पे, अब वहाँ जा रहे थे, यहाँ पे आ गए। अभी इस आगे वाले रास्ता कॉलोनी का बंद चल रहा है ना, तो यही रोड पकड़ के आ जा रहे हैं बंदे वाले। तो भाई गोली मत मार देना यार, बंदे वाले वो रोड पकड़ जा रहे हैं ना, क्योंकि मेरे मोहल्ली कॉलोनी वाले जनपद कर रहे हैं कितना खतरनाक एरिया है। तो ठीक है, गोली मत मारना क्योंकि एक गरीब आदमी है। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरी बाइक है और यहाँ पे हम जा रहे थे, हम कहीं तो नहीं आपको दिखा दें। चलिए तब आपको दिखाते भी हैं बाइक कैमरे से। तो कॉलोनी का रोड एकदम ख़राब चल रहा है, बंदे का रोड पकड़ के आ जा रहे हैं। आप हमारे फैमिली हैं, सपोर्टर, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। आप साइड से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बाढ़ आई है और मेरी बाइक यहाँ पे है। अब चलते हैं घर, उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर इन करेंगे, फिर आपका। गाइस हम घर पे आ चुके हैं और आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए बताना पड़ेगा ना, एमटी खड़ी है, आदर्श का स्कूटी खड़ी है और आदर्श की स्कूटी पे क्या लिखा है आपको भी पढ़ना चाहिए, सॉरी गर्ल्स, बाकी आप पढ़ लीजिए। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं। ऑर्डर रिसीव हो चुका है मुझे और मैं घर पे नहीं था, मूवी देखने गया था, तो फैमिली में रिसीव लिख कर लिए थे, आदर्श की मम्मी बड़ी भाभी जी। तो अगर पैकेट इस तरह देख रहे हैं तो बताइए क्या होगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस जैसे आप देखे हैं कि बगीचे पे रास्ता भी एक ले लिए है, क्योंकि पहले भी हम आपको बोल दिए हैं कि जब बन रहा था तो ये बोले कि सब एक ही रास्ते से आएंगे जाएंगे, लेकिन जब बन गया तो बोलते हैं कि ये मेरा रोड है और मेरा गेट है और ये तुम्हारा गेट है। तो ठीक है, वो भी हम मान लेते हैं कि ये मेरा गेट है, उसमें भी पोल आ गया है, पोल का सपोर्टर तार पड़ गया है, ठीक है। अब देखे हैं ब्लॉक में, फिर जेई की अप्लीकेशन लिखे थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ, ठीक है। अब बहुत साल भी हो गया क्योंकि ये केस चल रहा है 2007 और 9 से 10 से भी है, क्लियर पता नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2007 या 8 से ऐसे कुछ बनना स्टार्ट हुआ था और उतना मुझे याद भी नहीं है। लेकिन जब से हम कोर्ट कचहरी जाने लगे, आने लगे, पुलिस थाना सब देखने लगे, तब से मतलब दिमाग खुलने लगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, क्योंकि खुद हम उसमें काम किए हैं। जब वो बन रहा था तो खुद हम काम किए हैं, तब सब एक में था, लेकिन जब बन गया तो कट हो गया। तो वो सिस्टम है, तो अभी भी कुछ है नहीं, रास्ता मिल जाए अपना आए जाएँ, यही है कि समझ लीजिए मुझे ईंटा बालू गिट्टी कुछ भी गिरवाना हो तो सड़क पर गिरवाना पड़ेगा, और अगर सड़क पर गिरवाएंगे तो कितना कोई उसको देखभाल करेगा, गायब ही हो जाएगा। मुझे पता है मेरी कॉलोनी बहुत डेंजरस है, ठीक है, खड़े खड़े लोग गायब कर देते हैं, हमें खुद डर लगता है अपने आप से कि कोई गोली ना मार दे हमको अपनी कॉलोनी में, ठीक है। तो जो चीज़ हम बता रहे हैं तो यही है कि रास्ता मिल जाए और अपना घर बनवा लें और अपना जो भी स्टूडियो फिडियो फोर व्हीलर जो भी लेना हो वहाँ पर हम ले लेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कि अगर रास्ता मिलेगा तो लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, अगर मैं दूसरे जगह ज़मीन खरीदता हूँ तो हमको ज़मीन भी खरीदना पड़ेगा, रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, घर बनवाना पड़ेगा, मतलब डबल खर्चा आ जाएगा। जहाँ 1 करोड़ में मेरा काम होगा वहाँ 3-4 करोड़ लग जाएगा। तो इससे अच्छा जो बाप दादा की ज़मीन है उस पर काम कर लिया जाए अपना, तो वही सिस्टम है। तो बाकी कुछ है नहीं गाइस, हम आपको रियल बता दें, सब मन बड़ा ही है और कुछ नहीं है। जब गाढ़ पे लट्ठा पड़ने लगता है ना तो सब सीधे पड़ जाती हैं। इनको सिर्फ पुलिस की नौकरी थी, रिटायर हो गए, कोई पावर नहीं है, पैसा है दबा के रखे थे 1-2-3 करोड़, वही का मज़ा मार रहे हैं। लेकिन उससे पहले जब कनपट्टा पे तनता है ना तो सब दिमाग के ठंड हो जाता है, लेकिन अपना वो सब राम नहीं, क्योंकि अपना एक ही काम है कि हम आपको पहले भी बोल चुके थे। देखिए गाइस हम इसका भाषा समझते हैं, ऑलरेडी हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम पेन का भाषा समझते हैं, क्योंकि ये हम जहाँ लिख देंगे वही मान होगा। तो कहीं अप्लीकेशन मतलब कहीं भी कुछ देने से पहले आप एक फॉर्म उठाइए सादा, ठीक है,
एप्लीकेशन लीजिए दे दीजिए। तो कट्टा बंदूक चाकू ये सबसे हमें कोई लेन देन नहीं है। और अभी मैंने जो ऑर्डर मंगाया ये भी एक लट के तरह है, अगर नॉर्मल धरा जाए तो चोट लगेगा, ठीक है। तो इस सिस्टम है, तो अपना क्या है पेन का भाषा है। मुझे जब ऑलरेडी पता है कि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी अच्छा नहीं होता है तो हम क्यों मारपीट करने जाएंगे। तो अभी लिखा पढ़ी से काम हो रहा है, मतलब पेन से काम हो रहा है, और अगर इज्जत से दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या भविष्य में होता है क्या नहीं होता है। लेकिन साथ में आप हमारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली 400 पार हो चुकी है, तो मैं हर एक चीज़ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है। बहुत लोग बोल रहे थे डेली ब्लॉग नहीं डाल रहे, डेली ब्लॉग डाल रहे हैं, बस इसी वजह से थोड़ा टेंशन रहता है, कभी कचहरी में फंस जाते हैं, कभी थाने फंस जाते हैं, तो सब देखना पड़ जाता है। और डर लगता है यही कि कोई उठवा न ले हमें, क्योंकि एक तो पहला टारगेट यही सब रखे हैं, क्योंकि कभी कल जाओ तो बोलते हैं कि मतलब हम तुम्हें टांग लेंगे। भैया टांग लेना, कुछ भी कर लेना, जाओ जो भी करना है कर लेना यार, लेकिन सामने करना, ठीक है। लेकिन जब भी गोली मारना सीने पे मारना, ऐसा ना पीछे से मार दो, ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी है सोशल मीडिया पे हैं आप, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जहाँ आ जाना, जहाँ सांस मारना मिस्टर निकले तुरंत खुल के आ जाएंगे, ठीक है। तो अपना यही कि गाइस हम पेन के भाषा समझते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। जब से इसे मिल जाएगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन तभी भी पिछवाड़े में ये तो घुस ही जाएगा, आप तो जानती ही हैं। तो आइए अनबॉक्सिंग किया जाए। और यही सब है कि मतलब थोड़ा टेंशन में रहता है, और कोई दिक्कत है नहीं, पापा हैं नहीं, पापा इस बार आप देखिए बाल भाई देख ही रहे हैं, तो वही सिस्टम है। तो वही है कि आप जैसा भी होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन सपोर्ट करिए कि जल्दी से मिल जाए। सपोर्ट क्या करना है आपको, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबा के रखना है, और वीडियो शेयर करते रहिए आप। यही है कि आप जितना ज़्यादा वीडियो हमारा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उतना हम जल्दी रोड मिल जाएगा। क्योंकि एक कहावत किया गया है, राजा के बगल में सैनिक होते हैं, क्या समझ में आया। तो यही है, आपको कुछ करना नहीं है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करना है, कॉमेंट करते रहिए, मेल करते रहिए, सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आइए अनबॉक्सिंग किया जाए। बाकी आप लोग बताइए क्या होगा ये। इसको खोलते हैं फिलहाल, इसको अंदर क्या एक रोल है। तो गाइस आप देख पा रही है खाली है, अगर देख पा रहेंगे तो ठीक है। तो अब सोचिए क्या मंगाए होंगे हम, तो चलिए दिखाते हैं। और पूरा रिकवरी नहीं होगा, लेकिन हमको अलग से दिखाना पड़ेगा एक बार। तो इसमें कुछ मिला है तो आप देखिए, बाकी अभी हम बैक कैमरे से भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शायद मैं उल्टा पकड़ा हूँ। अब इसको स्टार्ट करते हैं, और इसको चिपकाने वाला सिस्टम है, इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा, हमको फ़ोन हाथ में लेना पड़ेगा। गाइस आपके सामने अनबॉक्सिंग किए हैं, और आप खुद ही पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। एक बार और हम दिखाते हैं। अब आप खुद बताइए, जब हम ऑनलाइन मंगा के खुद अपने बैकग्राउंड में ये लगाने वाले हैं, वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट, ठीक। तो अगर मैं खुद अपने लाइफ में मेहनत कर रहा हूँ तो मैं मार करने जाऊँगा, अब खुद बताइए। देखिए हमको पेन की भाषा समझ में आता है, और आपके सामने हम रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमको पेन की भाषा समझ में आता है, हम अपने पढ़ाई लिखाई से मतलब रखते हैं, ठीक है, और अपने मेहनत पे यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो गाइस हम मारपीट नहीं करते, ना मेरे नाम पे कोई केस है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और हमको एक रास्ता दिला दीजिए जो पे स्टूडियो खोल सकें और अपने चार पहिया लेके एडवेंचर कर सकें। मेरे पास पार्किंग नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, जो ज़मीन है वहाँ पे बड़े पापा, मतलब सॉरी रामनगीना जी जो है हमारे बड़े पापा के बड़े भाई हैं, वो दिमाग ख़राब करके रखे हुए हैं।
तो आपके सामने रखा हुआ है, इसमें भी कोई शक है तो बताइए। तो भैया हम लोग मेहनत करने वाले हैं, सॉरी आप तो मेहनत करते नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले हैं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन रखिए, सपोर्ट करते रहिए और जितना हो सके सपोर्ट करिए, क्योंकि आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो ये अपने बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं और लग जाएगा तो दूसरे ब्लॉक में आपको दिखेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।